अरे बेटा खाना खा ले, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या मम्मा, नहीं खाना खाना मुझे, मैंने अपने लिए जूस ऑर्डर किया है, मैं वही पीऊंगी। पता है ना आपको, 10 दिन रह गए शादी में, मुझे अपने पिंक वाले लहंगे में फिट आना है। हे भगवान, पागल हो गई है ये लड़की। फटाफट पेट रिड्यूस करना है, क्रैश डाइट कर लो, लिक्विड डाइट कर लो, या फिर भूखे रह लो पूरा दिन, बहुत जल्दी वेट रिड्यूस हो जाता है। पर क्या ये सही है? नहीं। जब कभी भी हम बहुत एक्सेस कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म और भी स्लो हो जाता है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं खाएंगे तो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही लथार्जिक फील करते हैं और हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। तो बॉडी को टॉर्चर करने से अच्छा है हम सही अमाउंट में और सही टाइम पे और सही खाना खाएं, इजंट इट?